नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती हुई नजर आ रही है। 26 दिसंबर को उनके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जेल में मुलाकात के लिए 8 दिन बाद यानी कि आज मंगलवार को पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पूर्व विधायक की 237 करोड़ की संपत्ति जो है कुर्क कर ली गई है। इससे उनकी आरटीओ ऑफिस के पास बनी आलिशान कोठी, स्पेशल मून सिटी कॉलोनी के विला फ्लैट और साथ ही 23 वाहन को कुर्क किया गया है, जबकि 10 बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया है। कार्रवाई में पूर्व विधायक की पत्नी ने कहा है कि मैं तो रोड पर आ गई हूं, क्या कोई घर भी नहीं बना सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पूर्व विधायक की 130 करोड़ की संपत्ति जो है वो कुर्क की गई थी। पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव 26 दिसंबर से जेल में बंद है। मंगलवार दोपहर को एक साथ कई टीमें ने कुर्क की कार्रवाई की है। एसएसपी राजेश एस ने बताया है कि दीप नारायण सिंह यादव ने अपराध से संपत्ति अर्जित की है, उन संपत्ति को आज कुर्क किया गया है। अब खबर उन्नाव से है, जहां पर बता दें कि तेज रफ्तार बस की बाइक से टक्कर होने से हादसे में युवक युवती की मौत हो गई है। और साथ ही बता दें कि यहां आपको बता दें कि अजगैन कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ कानपुर हाईवे पर सोमवार देर रात तेज रफ्तार बस की टक्कर से बाइक सवार युवक युवती की मौत हो गई है, जिसके बाद से हादसे की वजह से हाईवे पर जाम लगा दिया गया। सूचना पर पहुंचने पर पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात चालू करवाया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस ने दोनों को सीएचसी नाबगंज भिजवाया है, जहां पर डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित कर दिया। युवक का डॉक्टर इलाज शुरू कर चुके हैं। और साथ ही बता दें कि इस दौरान कोतवाली प्रभारी ने बताया है कि परिजनों की सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस दौरान दोनों की मौत हो गई है। और तेज रफ्तार का यहां कहर देखने को मिला है उन्नाव में, जहां पर युवक युवती दोनों की हादसे का शिकार हुए हैं और दोनों की मौके पर मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। चमरौली तिराहे के पास जो कि थाना अजगैन में आता है, पीछे से आ रही एक बस जिसका की नंबर MP09FA9959 है, ने अपने आगे चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल का नंबर UP35AG0769 है, जिसके फलस्वरूप मोटरसाइकिल पर बैठे आगे मोटरसाइकिल चालक सत्यम कुमार पुत्र राम सहाय निवासी नौगवा थाना बुरवा व पीछे बैठी सुशीला पुत्री मोहन चमरौली थाना अजगैन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। नैतौर नूरपुर मार्ग पर बाइक के सामने अचानक नील गाय आ जाने से बाइक सवार अनियंत्रित हो गया। सामने आ रही बोलेरो गाड़ी और साथ ही दो मोटरसाइकिल आमने सामने आकर भिड़ंत हो गई है, जिसमें एक महिला सहित तीन व्यक्ति घायल हो गए हैं। बता दें कि घायलों को सीएचसी नूरपुर भर्ती कराया गया है। पूरा मामला बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके के नहटोर नूरपुर मार्ग कुंडा में एहसास के भट्टे के सामने का है, जहां पर दो बाइक और बोलेरो की भिड़ंत हो गई, जिसमें दो महिला सहित एक व्यक्ति घायल हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी नूरपुर में भर्ती कराया। वहीं दोनों की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। मौके पर मौजूद वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लेकर थाना नूरपुर ले गई है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां पर बता दें कि लगातार स्क्वाड और सिविल, साथ ही बता दें कि जहांगीराबाद पुलिस ने दो अंतर्राज्यपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बता दें कि उनके कब्जे से 5 किलोग्राम मॉर्फिन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। NTPS एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है आरोपियों को। साथ ही इस संबंध में SP नॉर्थ आशुतोष मिश्र ने एक पत्रकार वार्ता करके जानकारी देते हुए बताया है कि गिरफ्त में आए तस्कर अपनी बाइक से माफिन को लेकर सीतापुर लेकर जाते थे। वहीं SP नॉर्थ ने बताया है कि बाराबंकी जनपद तस्करों से तस्करी के लिए कुख्यात रहा है। वहीं ASP ने बताया है कि तस्करों
कलीम के विरुद्ध पहले से ही तस्करी में दो मुकदमे दर्ज हैं और उनके विरुद्ध एनसीबी के द्वारा पकड़ा गया है, लेकिन व्यक्ति की आदत को सुधार नहीं लिया गया जिसके बाद से उसे आज जेल में बंद कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि इस दौरान बाराबंकी की खबर है जहां पर दो अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान 5 करोड़ रुपए के 5 किलो मॉर्फीन भी बरामद की है। साथ ही बता दें कि इन तस्करों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज थे। आज बाराबंकी पुलिस में हमारे जहांगीराबाद की पुलिस और सर्विलांस टीम हमारे एसपी सीओ सिटी साहब के निर्देशन में एक बहुत बड़ी इनको सफलता मिली है, जिसमें 5 किलो मॉर्फीन इन्होंने बरामद किया है जिसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत 5 करोड़ है। और इससे एक बहुत बड़ा जो समाज में मॉर्फीन पूरे समाज में फैलती है और लोग इसको पी करके नशे के उसमें लत में जाते तो उस पर रोक लगी है। अभी सरकार के द्वारा नारकोटिक ड्रग्स पे कार्रवाई करने के लिए थाना भी खोला गया है और इसमें कार्रवाई करने के लिए निर्देशन हम लोगों को ऊपर से प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सबको निर्देशित किया गया था। इस कार्य में सीओ सिटी साहब ने अपनी टीम सर्विलांस और जहांगीराबाद की टीम के साथ ये सफलता अर्जित की। दो लोग इसमें पकड़े गए, बिरजू और कलाम नाम के। बिरजू दो बार जेल भी जा चुका है, एनसीबी के थ्रू भी ये जेल में रहा है। और ये लोग इसको सप्लाई करने सीतापुर जा रहे थे और फैजुल्लागंज के पास इन लोगों ने हमारी जो टीम है इसने इनको पकड़ने में सफलता अर्जित करी है। ये दोनों कलकत्ता और यहाँ भी पहले थे। ये अंतर्राज्यीय गैंग है इनका, जो इस तरह का काम नारकोटिक्स ड्रग्स के बारे में करते हैं। ये सूफियान जो इनका एक साथी है जो बाहर से लाता है और इन लोगों को देता है और ये सप्लाई करने जाते हैं। सूफियान को हम लोगों ने वांछित किया है, उस पर भी कई मुकदमे हैं, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह हम लोग तलाश रहे हैं। और अब खबर उन्नाव से है जहां जिले में बिना मास्क और अवैध रूप से संचालित निजी अस्पताल के खिलाफ अभियान का असर अब देखने में मिला है। महकमे में अधिकारी सक्रिय हो गए हैं और मरीजों को जान से खिलवाड़ करने के लिए अस्पतालों पर छापा मार कर कार्रवाई की जा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र में टीम ने अभियान चलाकर अवैध रूप से संचालित एक अस्पताल को सील कराया है, जबकि कई अस्पताल के मानक पूरे न होने से उनकी सूची तैयार की गई है। इसी तरह पूर्व में भी कई हॉस्पिटल को कागजों में अंकित किए गए हैं। डॉक्टर और कर्मचारियों को पैनल नहीं होने से उन्हें नोटिस दिया गया है। सर, काशीराम कॉलोनी स्थित एक अस्पताल को सील किया गया है, क्या मामला है, किस वजह से सील किया गया? जनपद में बिना लाइसेंस के बिना परमिशन के अस्पताल में चलने की शिकायतें मिल रही थी, जिसकी सूचना हम लोगों ने सीएमओ साहब को दिया था। इसी क्रम में एडिशनल सीएमओ द्वारा जांच की गई। बीएन हॉस्पिटल कांसीराम है, जिनके पास न तो लाइसेंस था न तो मानक थे, फिर भी संचालित हो रही थी। एडिशनल सीएमओ सर के तहरीर पर इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसी के क्रम में आज ये अस्पताल को सीज किया गया है। आगे उसमें जो भी विधिक कार्रवाई की जाएगी और जनपद में जिस जो भी अवैध अस्पताल चल रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे आगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जनपद में स्थायी प्रतीक्षा सूची में कुल बता दें कि 10,558 लाभार्थी अब लेश हुए हैं। साथ ही बता दें कि यूपी सरकार द्वारा अब शेष लाभार्थियों को 100% उपलब्ध करा दिया गया है, जिनको लेकर इसी वित्तीय साल में पूर्ण कर लिया गया है। प्रत्येक आवातु बता दें कि 1.20 लाख रुपए, साथ ही मनरेगा योजना से 90 मानक दिवस और साथ ही 19,170 रुपए दिया जाता है। अपील है कि पात्राओं को आधार पर निःशुल्क आवास में धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। लोग हर गांव में जिनकी जो गांव स्पेशली 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव हैं, उनमें चक्रोड़ों को अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं और मनरेगा से चक्रोड़ों पर मिट्टी डालने काम कर रहे हैं। साथ साथ प्रत्येक गांव में 2 अमृत सरोवर का भी निर्माण कराया जा रहा है। सर, इसके अलावा एमएलसी चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या दिशा निर्देश आपकी ओर से जारी किए गए? देखिये, एमएलसी का चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है,
और आयुक्त महोदया इसके आरओ हैं और हम लोग रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं, सहायक रजिस्ट्रेशन अधिकारी। अब तक हम लोगों ने लगभग 24,000 मतदाताओं का पंजीकरण हमारे यहाँ हो चुका है। कंटिन्यूअस अपडेशन अप टू द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जैसा नियम है, जो छूटे हुए होंगे थोड़े बहुत उनका नाम बढ़ सकता है, अन्यथा हमारी मतदाता सूची फाइनल हो चुकी है। जो और बरेली की एक खबर है जहां पर बता दें कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है योजनाओं के संबंध में, और साथ ही जिलाधिकारी बरेली ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जनपद में अस्थाई प्रतीक्षा सूची में कुल 10,558 लाभार्थी अवशेष है, और साथ ही इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है। साथ ही यूपी सरकार द्वारा अवशेष लाभार्थियों को 100% क्षय उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें इसी वित्तीय साल में पूर्ण कर लिया गया है, और प्रत्येक आवास में 1.20 लाख रुपए, और साथ ही मनरेगा योजना में 90 मानक दिवस में 19,170 रुपए दिया जाता है। अपील है कि पात्रा के आधार पर निःशुल्क आवास की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, और जिसको लेकर लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और साथ ही इस दौरान तमाम तरीके की जानकारी दी गई थी। और अब खबर बरेली से है जहां पर बता दें कि थाना बारदरी क्षेत्र में अंतर्गत कुल दिन पहले ही और सरफराज की लूट में अपराधियों को पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया था। इसी क्रम में थाना बारदरी पुलिस द्वारा घटना के शामिल दो शातिर को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, और साथ ही इस घटना के बाद से पुलिस द्वारा फायरिंग भी की गई थी। और आपको बता दें कि बरेली का ये मामला है जहां पर बरादरी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और फायरिंग के दौरान आरोपियों के पैर में गोली लगी है। और साथ ही बता दें कि इस दौरान बरेली थाना बरादरी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ दिन पहले ही सरफड़ा की लूट के अपराधियों को पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। इसी क्रम में थाना बारदरी पुलिस द्वारा घटना में शामिल दो शातिर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, और इस घटना में पुलिस द्वारा फायरिंग भी की गई थी। और अब खबर मुजफ्फरपुर के चारथावल थाना क्षेत्र के करसियार नहर पटरी के पुलिस और साथ ही बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है, जिसमें चारथावल पुलिस और साथ ही छेपमार गैंग में बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद से चारथावल थाना प्रभारी राकेश शर्मा बदमाशों पर हमलावर हो गए, और साथ ही जिसके बाद से मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। फिलहाल जो बता दें आपको कि घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, और आपके बता दें कि अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरे बदमाश फायर होने में कामयाब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शातिर बदमाश लूट हत्या डकैती के लगभग एक दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। और मुजफ्फरपुर का ये मामला जहां पर बता दें कि गोली लगने से बदमाश जो है घायल हो गया है, और साथ ही पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी, और इस दौरान एक बदमाश जो है फरार हो गया था, अंधेरे का फायदा उठाकर वो बदमाश फरार हुआ है, और जिसके बाद से पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर लखीमपुर खीरी से है जहां पर पुलिस अधीक्षक खीरी के कुशल नेतृत्व में क्षेत्र अधिकारी मितौली के आदेश अनुसार नीम गांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, और इस दौरान गैंग चलाकर दारू लूट मारपीट आदि जैसे अपराधियों के नीम गांव पुलिस ने धर दबोचा है। प्रभारी निरीक्षण अवधेश यादव द्वारा बताया गया है कि पकड़े गए व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास बहुत बड़ा है, और साथ ही 2 दर्जन से अधिक मुकदमे में अपराधी जा चुके हैं। जेल क्षेत्र अधिकारी आदित्य कुमार और साथ ही प्रभारी निरीक्षण नीम गांव द्वारा चलाई गई थाना क्षेत्र में मुहिम ये रंग लाती हुई नजर आई है, जिसको लेकर अपराधियों में अब एक दहशत देखने को मिल रहा है। और साथ ही बता दें कि प्रभारी निरीक्षण अवधेश यादव की मुहिम जो है ये रंग लाती हुई नजर आई है, जिसके बाद उनका कहना है कि नीम गांव में किस क्षेत्र में कोई भी अपराधी करने वाले अपराधी जो घूमेंगे उनको
तुरंत ही दबोचा जाएगा, जिसके बाद से अपराधियों में लगातार खलबली मचती हुई नजर आई है। और लखीमपुर खीरी का ये मामला है जहां पर अब अपराधियों पर पुलिस का लगातार हंटर चलता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस अब अपराधियों से, बता दें कि अपराधी अब पुलिस से बच नहीं सकते हैं और लगातार पुलिस इस मामले को लेकर अपराधी जिस तरीके से बेखौफ नज़र आ रहे हैं और अपराधियों को अंजाम दे रहे हैं, इसको लेकर पुलिस अब काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है। बता दें कि इस दौरान नीम गांव पुलिस से कि इस बड़ी सफलता के बाद से अपराधियों में भी एक अलग दहशत देखने को मिला है। बता दें कि नीमगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब उसने गैंग चलाकर दारू लूट वाले, मारपीट आदि करने वाले अपराधियों पर गिरफ्तार किया है और रंगे हाथ उन्हें धर दबोचा। साथ ही बता दें कि इस दौरान बताया गया है कि पकड़े गए व्यक्तियों का आपराधिक में बहुत बड़ा ही इतिहास रहा है, 2 दर्जन से अधिक मुकदमे अपराधियों पर दर्ज है। जेल क्षेत्र अधिकारी आदित्य कुमार और साथ ही प्रभारी निरीक्षक नीम गांव द्वारा बताया गया है कि ये अभियान चलाया गया था, जिसमें इस अभियान का मेन कारण यही था कि अपराधियों पर हम लगाम लगा सके, क्योंकि आपराधिक घटना इन दिनों बढ़ती हुई नजर आ रही थी और जिसके बाद से इस जो मुहिम है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। अपराधियों में इस मुहिम को लेकर एक अलग दहशत देखने को मिल रहा है। और साथ ही बता दें कि प्रभारी निरीक्षक अवधेश यादव की मुहिम रंग लाते हुए नजर आई और इस दौरान प्रभारी निरीक्षक नीम गांव का कहना है कि किस क्षेत्र में कोई भी अपराधी करने वाला अपराधी नहीं घूमेगा। सड़कों पर अपराधियों में एक अलग खलबली देखने को मिल रही है और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अपराधियों से अब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लगातार मुहिम चला रहे हैं और अपराधियों को हम गिरफ्तार करेंगे। और अपराधी जिस तरीके से पहले खुलेआम घूमते थे और आपराधिक घटना को अंजाम देते थे, अब एक अपराधियों में इस मुहिम को लेकर एक खौफ देखने को मिल रहा है। अपराधी अब पुलिस से डरते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस भी लगातार इस मुहिम के जरिए कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उन पर काफ़ी सारे बड़े मामले दर्ज थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार अब और भी अपराधियों की तलाश में जुट गई है और कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। और अब खबर हरदोई से है जहां पर बता दें कि बीजेपी बूथ अध्यक्ष को दबंगों ने पीट पीट कर इस दौरान बता दें कि जिसका पीटने का वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। हरदोई के कछौना में नववर्ष के पूर्व संध्या में कतौली कछौना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टिकरी में निजी विद्यालय में संस्कृत कार्यक्रम के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर बीजेपी बूथ अध्यक्ष को दबंगों ने कमरे में बंद कर रिवॉल्वर लगाकर बुरी तरह से पिटाई की है। इसका वीडियो बनाकर और वायरल भी कर दिया गया है। वहीं पीड़ित बीजेपी बूथ अध्यक्ष ने पूरे मामले की शिकायत कोतवाली कछौना में की है, जिसके बाद से दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव ने बताया है कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। वही पीड़ित का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। और साथ ही बता दें कि हरदोई में अपराधियों के हौसले बुलंद है, दबंगों के हौसले आए दिन बुलंद नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार कोई ना कोई घटना रोज सामने आती है। और साथ ही बता दें कि अब ये मामला जो सामने आया है जिसमें पीड़ित बीजेपी बूथ अध्यक्ष को बता दें कि पीटा गया है और जिसके लेकर लगातार पीड़ित बीजेपी बूथ अध्यक्ष ने पूरे मामले की शिकायत कोतवाली कछौना में कर दी है, जिसके बाद से मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। वहीं पीड़ित का मेडिकल परीक्षण भी करवाया जाएगा। जिस तरीके से अपराधियों के द्वारा इस तरीके की घटना अंजाम दी जाती है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि अपराधी के हौसले इस तरीके से बुलंद नजर आते हैं। और बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश के चक्कर में ये मामला सामने आया है और कहीं ना कहीं इसको लेकर दबंगों ने पीटा है। और बता दें कि बीजेपी के बूथ अध्यक्ष है ये जिनको दबंगों ने जमकर पिटाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है। हरदोई के कछौना में नववर्ष के पूर्व संध्या में कोतवाली कछौना क्षेत्र में अंतर्गत ग्राम टिकरी में निजी विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान इस चीज़ को अंजाम दिया गया। और बताया ये जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इस चीज़ को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने
पुरानी रंजिश को लेकर इस तरीके की मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। बीजेपी बूथ अध्यक्ष को दबंगों ने कमरे में बंद करके रिवॉल्वर लगाकर पूरी तरह से पिटाई की है, जिसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। और इस दौरान पीड़ित बीजेपी बूथ अध्यक्ष ने पूरे मामले की जानकारी कोतवाली का छौना में दे दी है, जिसके बाद से लगातार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। और साथ ही ये भी पुलिस का कहना है कि इस दौरान पीड़ित का मेडिकल परीक्षण भी करवाया जाएगा। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां पर बता दें कि किसानों की 250 बीघा फसल जो है, बता दें कि जलमग्न हो गई है, जिसको लेकर किसान लगातार परेशान है। खाद की किल्लत के साथ ही अब नहर विभाग भी किसानों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। बलरामपुर जिले के लालपुर लेबुंडी बता दें कि गांव में सोमवार को बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही कटी माइनर में पानी छोड़ दिए जाने के कारण किसानों की 250 बीघा फसल जलमग्न हो गई है, जिसकी आप तस्वीर लाइव देख रहे हैं। साथ ही बता दें कि किसानों ने जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों से मुआवजा दिलाने की मांग की है। ग्राम लालपुर लेबुंडी के आपको बता दें कि राजेंद्र वर्मा, विनोद मौर्य और बंगाली कराती, साथ ही राम बहादुर बिना सूचना के किसी के माइनर में पानी छोड़ दिए गए हैं, जिसके बाद से किसानों की पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। और साथ ही ऐसे में माइनर का पानी किसानों के खेत में भर गया और साथ ही उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। इस दौरान किसानों का कहना है कि सरसों, गेहूं, लाही, मसूर और इत्यादि उनकी कई फसलें हैं जो खराब हुई है। इसको लेकर किसानों ने बताया है कि आए दिन नहर कट जाया करती है और साथ ही इसके कारण हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। नहर विभाग द्वारा ना तो किसी तरह से रिपेयरिंग करवाई जा रही है और ना ही देख रेख की जाती है। इस कारण की समस्या से विकराल होती जा रही है और आए दिन हमारी फसलें डूब जाती है और ख़राब हो जाती है। हमें भूख से मरना पड़ता जाता है, ये हमें हमारी स्थिति हो जाती है। लेकिन सरकार द्वारा नहर विभाग पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गाँव में पिछले 2 वर्षों से नहर विभाग की लापरवाही देखने को रही है और साथ ही नहर कटान हो जाता है और सभी किसानों की जो फसल है वो जलमग्न होकर बर्बाद हो जाती है। पिछले वर्ष इस तरह की नहर कट जाने के कारण ग्राम लालपुर लेबुंडी में दर्जनों किसानों की लगभग 200 बीघा जो है फसल वो पूरी तरह से नष्ट हो गई और ख़राब हो गई, जिसके बाद से लगातार किसान परेशान थे। इस मामले की जानकारी किसानों आगे भी दी है, लेकिन इस मामले पर अब तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब खबर बिजनौर से है, जहां पर बता दें कि बिजनौर की आमनगढ़ रेंज में गश्त के दौरान हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वन कर्मियों द्वारा घटना की सूचना विभागीय अधिकारी को दी गई। पूरे मामले में जनपद बिजनौर के आमगढ़ टाइगर रिजर्व रेस्ट में गश्त करने के दौरान एक मखना हाथी का शव पड़ा हुआ मिला है। गश्ती दल द्वारा मामले की सूचना रेंज अधिकारी को दी गई। मौके पर पहुंचे रेंजर राकेश कुमार शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए घटना की सूचना विभागीय उच्च अधिकारियों को दी है। ये मकोनिया बीट है, सुबह 8 बजे हमको खबर मिली है कि एक हाथी का जो डेथ हो गया है, और ये हाथी वही है जो पिछले 7-8 दिनों से बंधे के पास में देखा जा रहा था। चलने में इसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी और ये काफ़ी कमज़ोर भी हो गया है, और इसके कान के पीछे जो है चोट लगा हुआ है। संभवतः ये आपस में जो एनिमल फाइटिंग होती है उसमें लड़े होंगे, और फिर ये जख्म जो है पुराना होने के कारण सेप्टिसीमिया मतलब हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ हुआ है। बाकी जो पीएम करने के लिए डॉक्टर का नाम बनाया गया है वो लोग अपना रिपोर्ट देंगे, और जो सैंपल आएगा दिया भेजा जाएगा, और जो काज अपडेट होगा उसके बाद जो है अवगत कराया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।